नमस्कार, आप देख रहे हैं डेजियाना न्यूज। मैं दीपक रजक आपका स्वागत करता हूं। आइए रुक करते हैं दिन भर की खास खबरों की तरफ। अखिल भारतीय ग्वाल महासभा की बैठक का हुआ आयोजन। ग्वाल समाज के मेधावी छात्रों को सम्मानित करने के कार्यक्रम की रूपरेखा बनाने के लिए इस बैठक का आयोजन किया गया। साथ ही ग्वाल मातृशक्ति संगठन का भी सम्मान किया गया। आपको बता दें कि ग्वाल महासभा आगामी 9 सितंबर को मानस भवन में सम्मान समारोह आयोजित करने जा रही है। इसी तारतम्य में इस बैठक का आयोजन किया गया। थोड़ा दूर हो, तालियां जिनको ज्यादा भाई, हमारी जिला भागवती जी, हमारी बहन भागवती बहुत बहुत आपको, हमारी जिलाध्यक्ष फूलवती ग्वाल इनका स्वागत हो रहा है। बहन हमारी शोभा दीदी के द्वारा, अब शशि ग्वाल बजरंगढ़ से हैं। अखिल भारतीय ग्वाल महासभा प्रतिभान छात्र छात्राओं का हर वर्ष जो मेरिट लिस्ट में आते हैं और 75% ऊपर रहते हैं उनको सम्मान करती है। उसी कार्यक्रम में ये जिले की बैठक रखी गई है। 9 तारीख मानस भवन में 9 सितंबर को कार्यक्रम रखा गया है। उसी कार्यक्रम में जिले की बैठक बुलाई गई है। इसमें हमारी जो मातृशक्ति की नवयुक्त कार्यकारिणी बनी थी उसका भी स्वागत रखा गया है आज, वो शोभा बहन जी द्वारा है। छात्र भटक रहा अपनी मार्कशीट व टीसी के लिए। बूढ़े बालाजी के प्राइवेट स्कूल का छात्र अपनी मार्कशीट व टीसी निकलवाने के लिए स्कूल के चक्कर काट रहा है, लेकिन स्कूल के द्वारा उसे कक्षा 9 की मार्कशीट व टीसी नहीं दी जा रही। छात्र ने बताया कि स्कूल द्वारा उस पर दबाव बनाया जा रहा है कि वह स्कूल से ही 10वीं पास करे, अगर वह स्कूल से 10वीं पास नहीं करता तो उसे टीसी नहीं दी जाएगी। छात्र का कहना है कि स्कूल में इतनी सुविधाएं नहीं कि वह इसे स्कूल से 10वीं पास कर सके, क्योंकि 10वीं की क्लास स्कूल के ऊपर खुले में लगती है। मैंने इधर से 8th तक पढ़ाई की है, इसके बाद में 9th भी इधर से ही पढ़ी थी मैंने। तो इसके बाद वो इन्होंने मेरी मार्कशीट भी रख ली और टीसी भी नहीं दे रही। क्यों, क्या पता सर कहीं 10th का भी इधर से ही डालना पड़ेगी आपको फार्म, उसके बाद में लेगी। हाँ, गलत बोल रहे थे, कहीं आप एक गुना टेढ़ा जाओगे तो कहीं मैं 3 गुना टेढ़ा जाऊँगी, कहीं तो यहीं से पढ़ना पड़ेगी। कहीं 10th 10वीं क्लास कैसी जगह पर लगती है? सर ऊपर लगती है कुल्ले में, सबसे ऊपर। तो आपको परेशानी आ रही है इधर पढ़ने में? हाँ, इधर हम नहीं पढ़ रहे सर, एक भी बच्चा पास नहीं होता इधर से, सब फेल है। शासकीय पीजी कॉलेज में मनाएगा शहीद खुदीराम बोस का शहादत दिवस। छात्र संगठन DSO द्वारा शासकीय पीजी कॉलेज में शहीद खुदीराम बोस का शहादत दिवस मनाने का मकसद यह था कि युवाओं को पढ़ाई और रोजगार के सही मौके मिल सके, साथ ही कॉलेज में बैठक व्यवस्था को बढ़ाया जाए, क्योंकि इन दिनों कॉलेज में कई छात्र एडमिशन के लिए भटक रहे हैं। मौके पर छात्र छात्राएं व शिक्षकों द्वारा शहीद खुदीराम बोस को पुष्प अर्पित किए गए। छात्र संगठन ऑल इंडिया DSO के द्वारा गुना PG कॉलेज में शहीद खुदीराम बोस का शहादत दिवस मनाया गया। इस शहादत दिवस में कॉलेज के छात्रों ने पुष्पार्पण किया, कॉलेज के प्रोफेसर्स ने पुष्पार्पण किया। साथ ही में आज यहां पर जो शहादत दिवस मनाया गया है, इस मकसद के साथ मनाया गया है कि जिन शहीदों ने देश के लिए कुर्बानी दी है, उन शहीदों का जो सपना था कि एक ऐसा देश बने जहाँ पर सभी छात्रों को कॉलेज में एडमिशन हो पाए, सभी छात्रों को रोजगार मिल पाए, एक ऐसा भारत का निर्माण हो, लेकिन आज हम लोग 60 से 70 साल से के बाद भी हम लोग देख रहे हैं कि इस कॉलेज के बाहर जहां पर हम लोग शहीदों का दिवस मना रहे हैं, इस कॉलेज में 2 से 2.5 महीने से छात्र आ रहे हैं लेकिन उन लोगों का भी एडमिशन नहीं हो पाया है। आज यहां पर जिन छात्रों के अभी एडमिशन नहीं हुए हैं उनको
कल के लिए भी बोला है, कल हमारे गुना में मुख्यमंत्री जी भी आ रहे हैं, अगर ज़रूरत पड़ी तो उनसे भी सभी छात्र मिलेंगे और अपील करेंगे कि सभी छात्रों को एडमिशन दिया जाए। लक्ष्मीगंज में स्थित पीपल के पेड़ की गई कटाई छटाई। मुख्यमंत्री की कल जन आशीर्वाद यात्रा को देखते हुए लक्ष्मीगंज के मोड़ पर स्थित पीपल के पेड़ की कटाई छटाई की गई। यह पीपल का पेड़ वर्षों पुराना है और इसी के पास पुलिस प्रशासन द्वारा लगाए गए कैमरे भी हैं। कैमरे के आगे पीपल के कुछ हिस्से आ गए थे जिसके कारण उसकी कटाई छटाई की गई। मकसूदनगढ़ में हर साल की तरह इस साल भी कावड़ यात्रा बड़े ही धूमधाम के साथ निकाली गई। यह कावड़ यात्रा मकसूदनगढ़ से शुरू होकर गुना रोड स्थित रेस्ट हाउस होते हुए सदर बाजार से गुजरकर लटेरी रोड स्थित शिव मंदिर पहुंची। यहां पर पूजा अर्चना हुई और लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया। यात्रा में भारी संख्या में बच्चे, बूढ़े, जवान एवं महिलाएं शामिल रहीं। मकसूदनगढ़ से हमारे सहयोगी टोनी शाह की रिपोर्ट। इक्यावन झंडों के साथ 500 फीट की निकाली गई चुनरी यात्रा। हरियाली अमावस्या पर्व के उपलक्ष्य में जगह जगह चुनरी यात्रा का स्वागत हुआ। आरोन में ग्राम टंक पंचायत से साले वाली माता मंदिर के लिए 51 झंडों के साथ 500 फीट की चुनरी यात्रा निकाली गई। ग्रामवासियों द्वारा धूमधाम से बैंड बाजों और डीजे के साथ चुनरी यात्रा निकाली गई। यात्रा में सैकड़ों की संख्या में माता, बहनें एवं लोग मौजूद रहे। यात्रा में जमकर उड़ा अबीर गुलाल। इस यात्रा में जमकर लोगों ने अबीर गुलाल की होली भी खेली एवं चुनरी यात्रा जहाँ जहाँ से भी गुजरी पूरा वातावरण रंगमय हो गया। मेले में भ्रमण के बाद चुनरी यात्रा देवी माँ के मंदिर पर रुकी जहाँ माँ के जयकारे के साथ भक्तों ने माता रानी को चुनरी चढ़ाई। चुनरी चढ़ाने के बाद सभी भक्तों ने माँ से पुण्य की कामना की। देवी को प्रतिवर्ष हवन पूजन के पश्चात श्रद्धालु माता रानी को चुनरी चढ़ाते हैं। इसके बाद माँ की आरती में सभी भक्तों ने भाग लिया। आलू कब कब आते हैं यहाँ? यहाँ साल में एक बार आते हैं। साल में एक बार आते हैं। हरियाली अमास पर। क्या मेहमान है यहाँ की? मैया जाने अब बैठोगे? अरे फिर भी तो सुनने में आया होगा। सुनने में तो सब श्रद्धालु आते हैं, दर्शन करने के लिए आते हैं। यहाँ पे हरियाली अमावस्या के दिन माता जी का प्राकट्य दिवस है, इसलिए यहाँ पे एक दिवसीय मेला लगता है।
और जैसे भक्त लोग की मनोकामना पूरी सारी सभी मनोकामनाएं पूरी करती है माँ। यहाँ पे झंडा निशान लेके कीर्तन मंडली से लोग आते हैं। दूर दूर सावन में अमावस्या के दिन आते हैं हरियाली अमावस्या। अच्छा, दूर दूर से आते हैं भक्त लोग। बहुत दूर दूर से आते हैं। कितने की तारीख 7 किलोमीटर जाएगी और 500 मीटर माँ की चुनरी की लंबाई है। अच्छा, 500 मीटर की लंबाई है। कितने लोग हैं आपके साथ में? करीबन 1800 लोग मान लो। 1800 से ऊपर लोग हैं। कहाँ से कहाँ जा रहे हो? माता करोविया से माता की चुनरी। साल माता है हमारी, जो साल में एक बार अमावस्या के दिन मेला लगता है वहाँ पर। तो सभी लोग हमारे क्षेत्र से और आसपास से माता के दर्शन के लिए अमावस्या के दिन भारी संख्या में लोग जाते हैं और माता की पूजा करते हैं, चुनरी चढ़ाते हैं, झंडा भी चढ़ाते हैं। बहुत तादाद में लोग जाते हैं। ऐसी मनोकामना रहती है, ऐसा मानना है सभी का कि जहाँ माता के दरबार में एक बार कोई जाता है उसकी सभी मनोकामना पूरी होती है। आरोन से हमारे सहयोगी चंद्रेश रघुवंशी की रिपोर्ट। किसानों की समस्याओं को लेकर क्षेत्रीय विधायक जयवर्धन सिंह ने दिया धरना। हारोन में समर्थन मूल्य योजना में कई किसानों को ऑनलाइन फसल न होने से किसान भारी नाराज दिखाई दिए, जिसके चलते क्षेत्रीय विधायक जयवर्धन सिंह तथा कांग्रेस कार्यकर्ता द्वारा धरना प्रदर्शन SDM को ज्ञापन देने पहुंचे। तहसील कार्यालय में अधिकारी न होने के कारण कांग्रेस कार्यकर्ता व जयवर्धन सिंह ने तहसील के मेन गेट पर ताला लगा दिया। वह तहसील में अधिकारियों के मौजूद न होने से वे काफी नाराज दिखाई दिए। जयवर्धन सिंह के साथ हजारों की संख्या में किसान मौजूद रहे। किसानों का आरोप है कि चना खराब वापस किया जा रहा है एवं वेयर हाउस द्वारा उसका खर्चा भी किसानों से लिया जा रहा है। हम यहाँ से नहीं हिलने वाले तब तक। आप बोल दीजिए SDM को, आप बोल दीजिए SDM साहब को कि तहसील बंद हो गई, ताला लग गया, और तब ताला खुलेगा जब हमें आश्वासन मिलेगा कि किसान की बात सुनी जाएगी। कि जो ऐसे किसान हैं जिनने 6 और 6 तारीख के बाद चना बेचा है, जिनका अभी तक पैसा नहीं आया है, जिनकी अभी तक ऑनलाइन जो रजिस्ट्री नहीं हो पाई है, उनके लिए शासन क्या कर रही है आप हमें बताइए। आपसे एक्सेप्ट करने वाली हूँ, ये मैं SDM सर के बिहाफ में करने वाली हूँ। और अभी प्रेजेंट में जो भी अधिकारी है, SDM सर का मुख्यालय जो है वो राधोगढ़ है और तहसीलदार सर जो है वो छुट्टी पर है, तो इसलिए उनके बिहाफ में मैं ये एक्सेप्ट करूँगी। और और जो भी कार्यवाही की जा रही है उसका आपको प्रॉपर आंसर उनके द्वारा मिल जाएगा। नहीं, ये हमारे लिए काफी नहीं है। यहाँ देखिए, किसान ने आपने कब बेचा चना? ये छह तारीख को बेचा था, अब 2 महीने बाद वापस दे रहे हैं। ये कैसा नियम है? हम तो ये कह रहे हैं अच्छा, ये कैसा शासन है? और वो भी ऐसा चना जो पूरा सड़ा हुआ है, इससे क्या दाम मिलेगा किसान को? मेरा आपसे आग्रह है कि आप अभी बात करें SDM साहब से, और साथ में अधिकारी कौन देता है काम गुना में जो बुरा, जो रजिस्ट्रार है, आप उनसे बात करें अभी और कहें कि अभी अगर हमें समय अभी नहीं होगी तो हम तहसील बंद कर देंगे अभी यहीं पर। आप अभी बात कर रहे हैं उनसे। SDM सर के बिहाफ पे मैं आपको आश्वासन देती हूँ कि आपकी बात सुनी जाएगी और आपका काम जो है वो करा जा रहा है। और नहीं, आप हमें बताइए कि ऑनलाइन कब खुलेगा ताकि सोसाइटी की पंजीयन हो जाए, जो भी हम रह गए हम किसानों को भी तो बताएंगे। बताने में वो अपनी बात कर रहे हैं, आप बात करिए आपके वरिष्ठ अधिकारी से। आधा घंटे का आप मुझे टाइम दीजिए, आधा घंटे में मैं अपने वरिष्ठ अधिकारियों से बात करके आपको आश्वासन और आपका पूरा जो भी हम चाह रहे हैं कि आप बात कराएं डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार से, आप बात करें डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार से, जिसके पास वापस कर रहे हैं। 2 महीने का वापस
इसलिए हमने ये आंदोलन किया है क्योंकि दो महीने बीत गए हैं, लेकिन जिन किसानों ने चना बेचा था जून के महीने में, दो महीने हो चुके उनको भुगतान नहीं हो रहा पैसे का। साथ में अब उन्हीं किसानों को बुलाया जा रहा है और खराब चना उनको दिया जा रहा है। हम मांग कर रहे हैं डीआर से, एसडीएम साहब, कलेक्टर साहब से कि उनको पेमेंट तुरंत की जावे। साथ में ऐसे बहुत सारे अपने हलके रह गए हैं जहाँ बिल्कुल बीमा नहीं मिला है, जबकि वहाँ भी पर्याप्त नुकसान हुआ था। साथ में हम यहाँ तहसील में खड़े हैं, ना तो एसडीएम साहब है, ना तहसीलदार साहब है, सब लगे हुए हैं सीएम साहब की व्यवस्था में। इसलिए हमने आज यहाँ तहसील बंद कर दी है, जब तक सुनवाई नहीं होगी किसानों की। किसानों के सम्मान में सर जी ताला है ना डाल दिया गया है आपके द्वारा। सर जब तक किसानों को न्याय नहीं मिलेगा क्या तब तक नहीं खुलेगा ताला? और जैसे ये जन आशीर्वाद यात्रा चल रही है उसके बारे में क्या कहेंगे सर आप? जी वो तो जबरन आशीर्वाद यात्रा है। पहली बार देखा है हमारे परंपरा में, हमारी संस्कृति में, कि जो आशीर्वाद लेने वाला है वो ऊपर खड़ा है और जो देने वाले नीचे खड़े हैं। हम तो विश्वास करते हैं जब हम लेते हैं आशीर्वाद तो जो आशीर्वाद देता है हम उनके चरण छूते हैं। ये उल्टा कर रहे हैं तो ये तो एक ढोंग है और कुछ नहीं है। आरोन से हमारे सहयोगी चंद्रेश रघुवंशी की रिपोर्ट। श्रावण मास की शनि अमावस्या पर विशेष संयोग के चलते बीनागंज में विशाल कावड़ यात्रा का आयोजन शिव भक्तों द्वारा किया गया, जिसमें सैकड़ों भक्तों ने पूरी श्रद्धा के साथ पार्वती नदी से पैदल जल लाकर नगर से 6 किलोमीटर दूर पुरातन श्री चौड़ेश्वर महादेव व बागेश्वर महादेव मंदिर पर जल चढ़ाया। इस अवसर पर विधायक ममता मीना, नगर पंचायत अध्यक्ष श्री कृष्ण सोनी ने शिव भक्तों का स्वागत किया। इसके अलावा नगर में कई जगह कावड़ियों का स्वागत भी किया गया। गोया रोड पर नंदकिशोर ट्रैक्टर वालों ने व प्रजापति समाज की धर्मशाला पर सुरेश पार्षद व बड़ी संख्या में महिलाओं ने शिव पर पुष्प वर्षा की। बीनागंज से हमारे सहयोगी आर के शर्मा की रिपोर्ट। म्याना
में किसान कांग्रेस के तत्वाधान में बैठक का हुआ आयोजन, जिसमें यह निष्कर्ष निकाला गया कि कल मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपेंगे। इस बैठक में क्षेत्रीय विधायक महेंद्र सिंह सिसोदिया भी मौजूद रहे। ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष संतोष सिंह यादव ने बताया कि म्याना को नगर पंचायत का दर्जा दिलाए जाने व किसानों को फसल बीमा राशि न मिलने, बीपीएल कार्ड होने के पश्चात भी खाद्यान्न पर्ची न मिलना इत्यादि समस्याओं को लेकर ज्ञापन दिया जाएगा। मिली क्या मिली बताओ, तकने लाल बैठे हो, तकने लाल नहीं मिले, तीन साई वाले बलवीर कहाँ है, बलवीर नया पंचायत पूरी कर लो, जंगामी है, तो ये सारी चीजें आपको सब लोगों को जाके उन गांव में जरूर फोन करना है, बहुत ही मदद सब आना है। वो छोड़ो, अभी मुद्दे पे बात करो, ये चार पॉइंट है अभी जो अपन को बताना। म्याना से हमारे सहयोगी सत्येंद्र तिवारी की रिपोर्ट। डीजीएनए न्यूज में आज बस इतना ही, कल नई खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।